सोलन में 15 अगस्त की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। देशभक्ति का जज्बा युवाओं में देखते ही बनता है। युवा स्वतंत्रता दिवस की परेड का हिस्सा बनकर अपने आप को भाग्यशाली समझ रहे हैं। पहला मौका है जब पूरा देश एक साथ स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है। यही वजह है कि युवाओं में भी इस दिवस को लेकर भारी उत्साह देखा जा रहा है। इस बार परेड में पुलिस, होमगार्ड, स्काउट और स्कूली बच्चों की टुकड़ियां तो प्रदर्शन करेंगी ही, लेकिन साथ ही पहली बार इको क्लब भी परेड का हिस्सा होगा। युवाओं ने इस मौके पर कहा कि वह पहली बार स्वतंत्रता दिवस पर परेड का हिस्सा ले रहे हैं, जिसके चलते उनमें भारी उत्साह है और उन्होंने कहा कि राष्ट्रगान की धुन सुनते ही उनमें भारी जोश भर आता है और देश के प्रति भी सम्मान बढ़ जाता है। उन्होंने उन जवानों को धन्यवाद दिया है जो उन्हें स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां करवा रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि भारत को स्वतंत्रता कई वर्षों के संघर्ष के बाद मिली है। आज धारा 370 देश के प्रधानमंत्री ने हटाई है, जिसके चलते आज समूचा देश स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां कर रहा है, जो बेहद ही खुशी की बात है और हमें अपने देश पर नाज है। हम दयानंद आदर्श विद्यालय सनी साइड से आए हैं और हमारे लिए बहुत ही नया एक्सपीरियंस है, क्योंकि हम पहली बार यहाँ परेड करने आए हैं और जब भी हम यहाँ पर परेड कर रहे हैं तो हमारे अंदर एक नया उत्साह और जोश है, जो हमें अपने देश के प्रति और उत्साहित करता है, जिससे हमें अपने देश के लिए और उजागरता हमारे अंदर होती है। और जिस प्रकार से जब यहाँ नेशनल एंथम होता है तो हर एक के रोंगटे खड़े हो जाते हैं यहाँ पर, तो हम यही चाहते हैं कि हम अपने देश के लिए बड़े होकर कुछ करें, ताकि हम किसी भी तरह अपने देश के लिए काम आ सकें। और स्पेशली थैंक्स है हमारे यहाँ जवानों को जो हमें ट्रेन कर रहे हैं। 15 अगस्त ये एक दिन नहीं है, ये एक फीलिंग है। ये फीलिंग इसलिए है क्योंकि इतने सालों के संघर्ष के बाद हमें आज़ादी मिली। इसमें पता नहीं कितने लोगों का योगदान है, उनका नाम भी सामने नहीं आया है, पर उन्होंने बिना अपने नाम सामने लाने की चिंता करे बगैर अपना बलिदान दिया है, और उसी की वजह से आज हम इस खुले देश में खुली सांस ले पा रहे हैं। नहीं तो आज भी हम अंग्रेज़ों की इन गुलामी कर रहे होते। और जो आजकल लेटेस्ट टॉपिक चला है आर्टिकल 370, उसके लिए भी हम अपनी गवर्नमेंट को बहुत थैंक करना चाहेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा स्टेप है। इससे हमारा देश पूरा इंटीग्रेटेड हो चुका है और कोई नहीं कह सकता कि कश्मीर एक अलग हिस्सा है, और ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत मुँह तोड़ जवाब है। प्लस टू मेडिकल में पढ़ती हूँ। हम इको क्लब के वॉलंटियर्स हैं। इस बार हम 15 अगस्त में पहली बार इको क्लब यूनिट पार्टिसिपेट कर रहा है परेड में, पहली बार, तो हम बहुत ही एक्साइटेड हैं। हम 3 दिन से प्रैक्टिस करने भी आ रहे हैं यहाँ पर। हम बहुत है खुश है, बहुत ही उत्साह है, जोश है हमें कि हम पहली बार परेड में प्रैक्टिस करें, और बहुत एक्साइटेड है उस दिन के लिए। नमस्कार, मेरा नाम अदिति सिंगटा है। मैं गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल की NSS वॉलंटियर की कमांडर हूँ, और हम लोग हर साल यहाँ पे 15 अगस्त पे रोडो ग्राउंड आते हैं ड्रिल के लिए, और मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है ये एज कमांडर यहाँ पे, तो इस बार अच्छे से करेंगे। और आपको पता है कि 15 अगस्त हम शहीदों के लिए मनाया जाता है, हमारे इस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ गया, तो हम इसको आज बहुत अच्छा बनाना चाहते हैं। नमस्कार, मेरा नाम हिताशी शर्मा है। मैं लेक्चर बायोलॉजी हूँ गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल सोलन में। हम लोग आज यहाँ 15 अगस्त की रिहर्सल के लिए इकट्ठा हुए हैं। हमारे स्कूल के बच्चे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं 15 अगस्त के प्रोग्राम के लिए, पार्टिसिपेट करने के लिए। मैक्सिमम हमारे स्कूल से 4 ट्रूप्स जो हैं वो 15 अगस्त की परेड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसमें NSS है, इको क्लब है जो फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट कर रहा है, स्काउट एंड गाइड है, एंड सिक्योरिटी है। हर ट्रूप्स में हमारे 30 स्टूडेंट्स हैं, गर्ल्स हैं मेनली सारे के सारे ट्रूप्स में, तो जो बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, और बच्चों में इस चीज़ के लिए बहुत उत्साह है कि हम 15 अगस्त के लिए पार्टिसिपेट करें। सोलन क्राफ्ट बाजार लेकर आया है एग्जीबिशन कम सेल पूरे भारत से, हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट से वह विशाल प्रदर्शनी नई रेंज के साथ, जहां आपको मिलेगी हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट और बच्चों की ज्ञानवर्धक पुस्तकों की प्रदर्शनी, बच्चों के खिलौने, सहारनपुर फर्नीचर, रेडीमेड गार्मेंट्स, कॉस्मेटिक्स एंड आर्टिफिशियल ज्वेलरी व अन्य बहुत सारी वैरायटी आपका इंतजार कर रही है। सोलन क्राफ्ट बाजार सुबह 10 से शाम के 9 बजे तक, मुरारी मार्केट, दमोल रोड, सोलन। लाइव टाइम्स टीवी के फेसबुक पेज को लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।